हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीडी। मित्रों, आजनो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेसनो छे अने ए छे सिविल एविएशन थी संबंधित, मतलब उड्डयन, अने जेने आपणे जीएस पेपर 3 थी रिलेट करी शकीए। कोईपण आर्टिकल हमणां आवे छे तो कोरोना तो आवे छे, तो कोविड-19 महामारी आवा पहलानी बात करिए तो डोमेस्टिक ट्रावेलना हिसाब से आपणे जोईए तो भारत ए पूरी दुनिया में 3जा नंबरनु एविएशन मार्केट हतुं। अने जो आपणे डोमेस्टिक ट्रावेलनी अंदर इंटरनेशनल ट्रावेल ने पण शामिल करी दीए तो पण भारत के जे 3 वर्षनी अंदर दुनियानु 3जा नंबरनु सिविल एविएशन मार्केट बनी जोत। भारत में सीविल एविएशन मार्केट में डबल डिजिटनी अंदर ग्रोथ जोवा मळे छे, डबल डिजिट में मतलब 1 थी 9 में नहीं, डायरेक्ट 10 ए रीते तो डबल डिजिट में ग्रोथ जोवा मळे छे। पण कोविड-19 महामारी कारण 2 महीना सुधी तो विमान के जे ऑपरेशन में शामिल थई शक्या नहीं, 2 महीना सुधी ए ग्राउंड पर ज रह्या। सौथी वधारे नुकसान जो कोविड-19 महामारी में जे सेक्टर ने थयुं होय तो ए छे सीविल एविएशन सेक्टर। आर्टिकल में कहेवामां आवे छे कि 2 महीना सुधी सरकार द्वारा 2 मिशन शुरू करवामां आव्या हता, एक तो मिशन लाइफलाइन अने बीजू छे वंदे भारत मिशन। तो मिशन लाइफलाइन एमां जोईए तो आ मिशननी सहायताथी आपणा देशना जुदा जुदा भागोमां तेमज दुनियाना बीजा देशोमां जे जग्याए जरूर हती त्यां जरूरी मेडिकल सामान पहोंचाडवामां आव्यो हतो। एक डेटा अनुसार तो मिशन लाइफलाइन हेठळ 5.4 लाख किलोमीटर, मतलब 5.5 लाख किलोमीटर जेटली यात्रा करी है आ प्लेन द्वारा, तेमज 584 फ्लाइटों उड़ी है कि जेथी देशना अने बीजा देशना दूरना विस्तारों सुधी मेडिकल इक्विपमेंट ने बधु पहोंचाडवामां आवे। आना सिवाय बीजा मिशननी बात करिए तो वंदे भारत मिशन, तो विदेशों में जे भारतीय फसायेला हता एमने भारत लाववा माटे आ मिशन चलाववामां आव्युं हतुं अने आ मिशन हेठळ अत्यार सुधीमां 40,000 भारतीयोने देशमां लाववामां आवी चूक्या छे। आनी साथे साथे फ्लाइट्सनी संख्याने पण वधारवामां आवी रही छे के जेना कारणे जेटलुं बने एटलुं भारतीयोने जल्दीथी आपणा देशमां पाछा लावी शकाय। एना पछी आर्टिकलमां छे के 2 महीना सुधी आपणा देशमां पूर्णतः लॉकडाउन रह्युं अने धीरे धीरे लॉकडाउन खुली रह्युं छे। डोमेस्टिक ऑपरेशन छे ए फ्लाइटना के जे शरू थई गया छे। लॉकडाउनना केटलाक फायदा छे आपणे ए जोईए तो एक वायरसनो वधारे फैलाव थतो अटकी गयो आ लॉकडाउनना कारणे। पछी बीजू तो आपणने समय मळी गयो के जेथी आपणे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरने वधारी सकीए एटलो समय मळी गयो। अने त्रीजू आपणे लोकोमांनी अंदर जागरूकता फैलावी शक्या के पोतानी जातने केवी रीते सुरक्षित राखवी, जेम के मास्क, सेनिटाइजेशन, सोशियल डिस्टन्सिंग, तो आ बधी वस्तुनी जरूरी छे एवी बधी आपणे खबर पड़ी गई। परंतु इकोनॉमी ने हमेशा बंद न करी शकाय। हवे पूरो देश के जे धीरे धीरे खुली रह्यो छे, आपणे चर्चा करी ए प्रमाणे के 25 मे थी डोमेस्टिक ट्रावेल फ्लाइट्सना माध्यमथी शरू थई चूक्युं छे। लेखक कहे छे के अमे 15 मेना रोज तेनी गाइडलाइन तैयार करी हती। हवे लेखक अमे बोल्या, कारण शुं? लेखक हरदीप एस पुरी छे, मतलब शुं सिविल एविएशनना मिनिस्टर पोते छे हरदीप सिंह पुरी। तो एमना द्वारा कहेवामां आव्युं कि अमे 15 मेना रोज डोमेस्टिक फ्लाइट्स ने केवी रीते चलावी एनी गाइडलाइन तैयार करी लीधी हती कि केवी रीते सावधानी राखवी जोईए, तेनुं ध्यान केवी रीते राखवुं जोईए। एनो अमे पूरो समय फाळवी अने विभिन्न एरपोर्ट तेमज राज्योने आ गाइडलाइनने अपनावी शके, त्यारबाद आ ऑपरेशन शरू थशे अने शरू थया छे। तेना सिवाय पण राज्योना केटलाय कन्सर्न हता, चिंता हती, जेम के महाराष्ट्रनी वात करीए तो महाराष्ट्र राज्यनी सरकार द्वारा कहेवामां आव्युं हतुं कि एक दिवसनी अंदर मुंबई में 25 फ्लाइट्स थी वधारे न उतरवी जोईए। तो अहीं विभिन्न राज्योना कंसर्न ने आपणे ध्यान में राखीने एडजस्ट कर्युं हतुं, जेनाथी विभिन्न देश के जे जरूरी गाइडलाइन के विभिन्न राज्य जरूरी गाइडलाइन ने अपनावी शके। हवे धीरे धीरे आपणा देशना जे फ्लाइट्सना ऑपरेशन छे ए स्मूथली चाली शके छे। त्यार पछी इंटरनेशनल ट्रावेल पण जल्दीथी शरू करवानी अमारी रणनीति छे, आवुं हरदीप सिंहे कीधुं। पण प्रॉब्लम ए छे के अमुक देश की जे बीजा देश थी यात्रीओनी अवर जवर ने मंजूर नहीं करता। तेओ कहे छे कि अमारा देशना नागरिक जो अमारा देश में आवा मांगता होय तो अमे एमने आवा देशुं। कहेवानो मतलब ए छे कि घणा बधा देशों एवा छे कि जे इंटरनेशनल ट्रावेल हजू सुधी शरू करवा मांगता नहीं। एना पछी घणा बधा चैलेंजीस पण छे। जोईए तो केटलाक एक्सपर्टनुं एवुं मानवुं छे के डोमेस्टिक तमे स्टार्ट करशो तो कोविड-19 ना केस के जे जल्दी थी ट्रांसमिट थशे। अहीं लेखक कहे छे कि रेल ट्रांसपोर्ट होय के पछी रोड ट्रांसपोर्ट होय अने एयर ट्रांसपोर्ट होय तो आ बधामां आ ट्रांसपोर्टना माध्यमनी वात करीए तो एयर ट्रांसपोर्ट के जे सौथी वधारे सुरक्षित छे अने साची वात छे। जो अहीं वायरसनुं ट्रांसमिशन थशे सामे आवशे तो पण कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आपणे सहेलाईथी थई शकशे। बधा ज पेसेंजरोने प्रोपर रेकॉर्ड होय छे केम के आमां अने केटला केस सामे आव्या पण छे। जेम के परम दिवसे न्यूज सामे आवी हती के वंदे भारत मिशन हेठळ फ्लाइट जई रही थी मॉस्को में अने त्यां फसायेला भारतीयोने लेवा माटे अने अर्धा रस्ते खबर पड़े छे के पायलट छे ए कोविड-19 पॉजिटिव छे तो फ्लाइट्स ने अर्धा रस्ते थी पाछी बोलावी देवामां आवी अने जे पण क्रू मेम्बर हता एमने क्वोरंटाइन करी देवामां आव्या। आम लेखक कहे छे के केसीस खूब ज रेर बने छे। बीजा ट्रांसपोर्टना माध्यमथी जेम के रेल के रोड एना माध्यमथी वधारे आ एयर ट्रांसपोर्ट जे वधारे सुरक्षित छे अने तेनो उपयोग जनता द्वारा करी शकाय। हवे आपणे आर्टिकल में तो कोई चैलेंज रजू कराया नथी पण आपणे थोड़ा बे त्रणनी वात करीए तो सरकार द्वारा फेर मतलब भाड़ा ने रेग्युलेट करी देवामां आव्या छे। पहेलाथी सरकार द्वारा नक्की करवामां आव्युं छे के फ्लाइट ऑपरेटर अमुक लिमिटथी वधारे भाड़ुं वसूली शकशे नहीं। तो केटलाक एक्सपर्टनुं कहेवुं छे के ऑलरेडी फ्लाइटोने नुकसान तो थयुं छे 2 महीना सुधी तो ऑपरेशन नथी चाल्युं तेमज एकदम जनता एना पर विश्वास पण नहीं करे जेथी फ्लाइट्स पूरेपूरी केपेसिटी साथे उड़ी पण नहीं शके अने पूरेपूरी टिकिटो वेचाशे पण नहीं। एवी स्थिति में सरकार द्वारा एमने डिमांडना सप्लाय पर एविएशन मार्केट ने छोड़वानी जरूर थी। एक प्रकारनो फोर्स करवो ए के तमे आटलुं ज भाड़ुं वसूली शकशो तो आ एमना माटे ऑपरेशन चलाववा माटे मुश्केली ऊभी करशे। बीजुं छे कॉम्पिटिशन। आपणा देशनी एविएशन मार्केट में वधारे कॉम्पिटिशन जोवा मळे छे अने टिकिट वधारे सस्ती वेचवामां आवे छे अने आ चक्करमां वधारे पड़ती फ्लाइट ऑपरेटर कंपनीओ जे नुकसानमां चाले छे जेम के जेट एवरेज पछी पेली किंगफिशर। हवे आर्टिकल में आइए तो सरकार समय समय पर एक गाइडलाइन रजू करे छे अने कहेवामां आवे छे के दरेक फ्लाइट ऑपरेटिव कंपनीओने के तमे आटली फ्लाइट छे तमारी जे फ्लाइट होय एमांथी आटली फ्लाइट के जे अनप्रॉफिटेबल रूट पर चलावो। मतलब शुं हतो के देशना विभिन्न विस्तारों में कनेक्टिविटी वधारी शकाय एवो सरकारनो टार्गेट होय छे एटले जे ऑपरेटिव कंपनीओ छे फ्लाइट ऑपरेटिव कंपनीओ तो एमने कहेवामां आवे छे के तमे आटली फ्लाइट छे एमने अनप्रॉफिटेबल चलावो एम तेथी फ्लाइट्स ऑपरेटरों ने ए रूट पर चालू पड़े छे अने एनाथी एमने नुकसान थाय छे एवी फरियाद पण करवामां आवती होय छे आ फ्लाइट ऑपरेटर द्वारा। हवे छेल्ले आर्टिकल में कहेवामां आव्युं छे के हवे आपणे वायरसनी साथे जीवता शीखवी लेवुं पड़शे अने ए माटे आपणी पूरी कोशिश पण रहे छे के जेथी देशनी सिविल एविएशन मार्केटने आपणे फरीथी पाटा पर लावी शकीए अने आ ज दिशामां चालता आपणा नाणामंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा 20 लाख करोड़ना पेकेजनी जाहेरात पण करवामां आवी हती अने आत्मनिर्भर भारतनी वात करवामां आवेली। तो एमां सिविल एविएशन सेक्टर ने लगता रिफॉर्म्स पण ध्यान में राखवामां आव्या हता जेम के नवा एरपोर्टना एमआरओ हब बनावा माटे पार्टिसिपेट करी शकशे। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस रिपेर ऑपरेशन्स। तो आ सिवाय केटलाक एडिशनल एर स्पेस ने पण एविएशन माटे खुला मूकवामांनी वात छे के जेनाथी रूट नाना थई जशे ईंधननी बचत थशे। तो आ बधा रिफॉर्म्स लाववानुं मुख्य कारण एविएशन सेक्टर ने पाटा उपर लावीने क्राइसिस मांथी बहार नीकळवानुं छे। बस तो बस आजना आर्टिकल में आटलुं ज छे। थैंक यू।